तो दोस्तों Vivo S6 का सक्सेसर आने वाला है Vivo S7। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फोन है डुअल सेल्फी कैमरे के साथ आपको मिलने वाला है 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, और भी बहुत सारे धांसू जो है फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। सारा कुछ बताने वाले हैं डिटेल से, और इंडिया में ये कब आने वाला है, कितनी इसकी प्राइस पॉइंट रहने वाली है इंडिया के अंदर, सारा बताने वाले हैं डिटेल से। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर लीजिए जल्दी से, और आज की इस वीडियो के लिए लाइक कायम रखते हैं हम 500 लाइक का, तो आई होप आप कर दोगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं Vivo के S7 के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल धमाल मचाने वाला है, जो कि सक्सेसर है Vivo S6 का। ये फोन बहुत ही कमाल मचाने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो है फ्रंट साइड के अंदर 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन मिलता है पंच होल डिस्प्ले के साथ। जो 44 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें सैमसंग का GH1 का जो है सेंसर यूज किया गया है। तो ओवरऑल ये बहुत ही धांसू कैमरा होने वाला है जो फ्रंट कैमरा है, और इसके अंदर आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है डुअल पंच होल के साथ, आपको ये मिल जाता है। और अगर बैक कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरे का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जिसमें कि आपको जो प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का, उसके अंदर GW1 का जो है सेंसर यूज किया गया है। तो ओवरऑल ये जो फोन है वो बहुत ही कमाल का जो है कैमरे के साथ आपको मिल जाता है। अगर बात करें चिपसेट की, तो इसमें 765G का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का वो देखने को मिलता है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें कस्टम UI की बात करें तो फन टच की जो है कस्टम UI देखने को मिल जाती है, एंड्रॉयड 10 आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर बैटरी की बात करें तो 4500mAh की बैटरी मिलती है 33W के डार्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो ओवरऑल इसकी बैटरी है, चार्जिंग है, वो भी बहुत ही कमाल की होने वाली है, और इसमें USB टाइप सी भी इसमें देखने को मिल जाएगी, और 3.5mm का जैक मिलता है, और ऑटो फोकस का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स के साथ ये जो फोन है दो वेरिएंट के साथ आपको मिल जाएगा, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो होने वाला है लगभग आपको 31,000 के आसपास का, और जो दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला ये लगभग 35,000 का आपको पड़ने वाला है। अगर बात करें इसकी जो है लॉन्च डेट की, तो चाइना के अंदर ये 3 अगस्त को होने वाला है लॉन्च 7:30 बजे शाम को, और अगर इंडिया की बात करें लॉन्च डेट की, तो अगस्त के अंदर ये जो है फोन आपके लिए आ जाएगा। तो आप इस फोन का वेट कर सकते हैं, ये बहुत ही कमाल का फोन आपके लिए हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।